योग राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो लेके आए हैं राजस्थान से, और यहाँ पर पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि बुधवार के दिन लगता है। तो जो भी भाई यहाँ पर पशुओं की खरीद बेच करना चाहता है वो यहाँ पर आकर पशुओं की खरीद बेच कर सकता है। तो बहुत दूर दूर से यहाँ से पशुपालक भाई पशुओं की खरीद बेच करने के लिए आते हैं। बहुत साफ सुथरी पशु मंडी है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगा जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि दोबारा जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए उसकी जानकारी मिले आपको सबसे पहले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सामने भैंस दिखाई आपको दे रही है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रिशियन की है, कितना दूध है, कितने दिन की ब्याई है, और ये जो सामने भाई है इन्होंने खरीदी है, इसकी पूरी जो जानकारी है भाई से लेते हैं अपन। नमस्कार भाई जी। नमस्ते जी भाई साहब। हाँ जी, अपना नाम बता दो जी। जी, नाम मेरा अनीस है। अच्छा जी, गांव? और गांव मुंडाली है, जिला मेरठ। अच्छा जी, ये भैंस आपने खरीदी है? जी आप, हमने खरीदी है। अच्छा जी, तो कौन से ब्यांत की है? ये चौथा ब्यांत है जी। चौथा ब्यांत है जी। अच्छा, दूध कितना है? दूध 10 लीटर है। 10 लीटर है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने की खरीदी है? ये खरीदी है हमने 45,000 रुपए की। 45 की जी। तो आपका खरीद बेच का काम है या घर रखोगे? या घर रखते हैं। घर रखोगे? हाँ, घर पीते हैं। अच्छा जी, तो आए बुधवार को आते हो क्या यहाँ? जी। अच्छा जी, हर बुधवार। तो कैसा लगा मेला आपको? मेला बढ़िया लगा जी। बढ़िया मेला, ठीक है जी। अच्छा, रेट कैसा है? रेट भी सही है, जैसी पशु है वैसा ही रेट है। अच्छा जी, धन्यवाद भाई जी। भैंस के बारे में भाई से जानकारी लेते हैं, कौन सी बार की ब्याई हुई है, कितना दूध है और कितने में भाई ने ये खरीदी है। तो सारी जो जानकारी है भाई से लेते हैं। हाँ, नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। अच्छा जी, अपना नाम बता दो। मेरा नाम रहीशुद्दीन है जी। अच्छा जी, गांव कौन सा है? गोविंदपुरी जी। जिला मेरठ। जिला मेरठ है? हाँ जी, यूपी। तो ये भैंस आपकी है? जी, मैंने खरीदी है। अच्छा जी, तो कौन से ब्यांत की है? पांचवे ब्यांत की है जी। अच्छा, तो दूध कितना है? दूध 11 लीटर है जी। अच्छा, कितने दिन की ब्याई है? ये है जी तकरीबन 2.5 महीने की ब्याई हुई। 2.5 महीने की ब्याई? जी जी जी। अच्छा, तो कितने में खरीदी है? ये मैंने 54,500 में खरीदी है जी। अच्छा, 54,500 में? जी जी। अच्छा, भैंस बढ़िया है? बढ़िया जी, बढ़िया। धन्यवाद भाई। ठीक है। इस भैंस के बारे में भाई से जानकारी लेते हैं, कौन से ब्यांत की है, कितना दूध है। ये भैंस है पंजाब की। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई साहब। आपका नाम बता दीजिए। नथु खान जी। अच्छा जी, कौन सा गांव है? गांव है बीकानेर। अच्छा, जिला कौन सा है? जिला बीकानेर पड़ता है। खरी लाते हैं घरसाना, रावड़ा, 65 या पदमपुर से आसपास से खरीदते हैं हमेशा। अच्छा जी, आज कितनी भैंसे खरीदी हैं? आज मैंने 12 भैंस लाया था। लेके आए थे? लेके आया मंडी, अफसर मंडी। अच्छा जी, 6 भैंस बेची है, 6 भैंस फिर भी खड़ी मेरे पास। 6 भैंस खड़ी है? 6 भैंस खड़ी है। तो आज बाजार है मंडी का मंदा है। पिछली बार से कम 10,000 रुपया भैंस की कीमत कम है इस बार। अच्छा, तो भैंसों का ब्यांत भी कम है? ब्यांत भी कम है, भैंस का कीमत भी कम है। अच्छा, खतरा भाटा महंगा होने से वजह से कोई भैंस का लेवाड़ कम लग रही है। अच्छा, हर चीज महंगी होगी, कचरा चाटा दोनों चौगड़ी कीमत होगी, पहले से डबल कीमत में बिक रही है। अच्छा अच्छा, वजह से पशुपालन आदमी कम खरीद रहे। अच्छा अच्छा, तो ये जो सामने भैंस है ये आपकी है? हाँ, मेरी है। अच्छा, ये कौन से ब्यांत की ब्याई हुई है? ये ब्यांत ब्याई है चौथे ब्यावा। चौथा ब्यांत है? चौथे ब्यांत। तो दूध कितना है इसके? ब्यांत से पहले लेन ब्याई हो तो कम से कम 11-12 किला, अभी तो ये 4 महीना की क्या बना है, 10 लीटर दूध है अभी। 10 लीटर है? हाँ। तो क्या रेट मांग रहे हो? अभी मांग रहे इसका 65,000 रुपया। 65,000 में देनी है या कम बद कर दोगे? कम बद कर देंगे। कम बद कर दोगे? धन्यवाद भाई जी। क्या हाल भाई जी? बढ़िया भाई जी, बढ़िया, बहुत वीर बढ़िया है जी। हाँ, अपना नाम बता दो भाई जी। भाई जी, मेरा नाम है राम जी सिंह।
अच्छा, गांव कौन सा है? गांव मेरा भाई जी कमरानी पंडा जी। तो यहां पर जो पशु लेके आए हो, आप खरीद बेच का काम करते हो या अपने घर के है? नहीं भाई जी, खरीद बेच दे काम करते हैं जी। खरीद बेच का काम करते हो? हाँ जी। तो ये जो आपने अभी भैंस दिखाई है, हाँ जी हाँ जी, ये कौन सी बार ब्याई है? ये बाजे तीसरे में ब्यावेगी जी। ब्याने वाली है? हाँ जी ब्याने वाली है। कितने दिन पड़े हैं? ये बाजी दिन तो अब देख 10 निकाल ले 5 निकाल ले, वो तो उसकी मर्जी है जी। फिर हाल तो इसके दिन रहते हैं सारे 12-13। अच्छा, तो पिछली बार कितना दूध है इसका? पिछली बार बाजी 18 लीटर दूध निकालते थे। तो इस बार तो कुछ ज़्यादा देगी भाई? देख ब्याने पे है, खाने प्याने पे है, भूखी रखेंगे तो 5 भी नहीं देगी। अच्छा दबा के खुआएंगे तो फुल भी निकाल सकती है, 20 को हाथ डालेगी। हाँ वो तो सही है। ठीक है, 15 पहलान ब्याई थी जब इसके नीचे था 15 लीटर दूध, 14-15। तो दुजान ब्याई थी जब उसका 18 लीटर दूध था। तो रेट क्या मांग रहे हो? रेट 1.10 का सौदा हुआ है। सौदा हो गया? हाँ सौदा हो गया भाई, 1.10 का इसका। अच्छा, और भी पशु लाए हो या एक ही है? नहीं जी, 12 भैंस लाए थे। 12 भैंस लाए हो? हाँ जी 12 भैंस लाए थे। बिग्गी सारी? हाँ जी, 4 दो रह गई, बाकी बिग्गी सारी। सारी बिग्गी है? हाँ जी। तो मंडी आज कैसे, तेज है या डाउन है? भाई जी देखो कुल मिला किसी तो ठीक है, कुछ ठीक है। हाँ जी भाई कह रहे हैं तेज है। ये वो उसका पहले उसको तो ऐसे बोलना है ना। अच्छा, ब्यान तो कम हो गया अब? नहीं नहीं, ब्यान तो देख जैसे पशु मिल रहा है। हाँ। जो भी तरीके का पशु है, मंदे भाव का मंदा पशु है, जिससे पशु होगा उसका रेट होगा। हाँ वो तो सही बात है भाई। हाँ जी जरूर। तो कौन से वार को ये लगती है मंडी? बुधवार को लगती है भाई। बुधवार को लगती है? हाँ जी बुधवार को लगती है। आए बुधवार? हाँ आए बुधवार ही लगती है जी। तो रावसर से कितनी दूर है ये मंडी? हमारे मेरे गाँव से भाई साहब रावसर से 55 किलोमीटर दूर है जी। नहीं, रावसर से कितनी दूर है ये मंडी? रावसर से 5 किलोमीटर दूर है। रावसर से 5 किलो? हाँ जी रावसर से 5 किलोमीटर दूर है जी। ठीक है, धन्यवाद भाई। भाई से जानकारी लेते हैं कौन सी ब्यांत की है, कितनी बार ब्याई हुई है, कौन से लैक्टेशन में है, कितना दूध है। तो पूछते हैं भाई से। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, नाम बता दे भाई जी। अमित कुमार। गाँव कौन सा है भाई जी? गाँव 24 अनूपगढ़। ये भैंस आपकी है? हाँ जी भैंस। अच्छा, कितने दिन हो गए ब्याई को? तो 4 महीने के आगे की है। दूध दे रही है? हाँ जी दे रही है। कितना दूध है भाई जी? 10 किलो दूध है दोनों में। दोनों टाइम का 10 लीटर दूध है। नीली रावी की भैंस है, जयफराबादी में है। अच्छा जी, दूध की भैंस है, ताजी भैंस के 20 लीटर दूध है। अच्छा जी, हमारे बॉर्डर एरिया की भैंस है, मान लो पाकिस्तान बॉर्डर 5-7 किलोमीटर है अनूपगढ़ से। अच्छा जी, दूध की भैंस है, लंबे टाइम दूध देती है, 4 महीने के आगे की होगी, दोनों टाइम लग रही है बच्चे पे। अच्छा जी, सारा मान लो 1-1.5 महीना छोड़नी पड़ती है। अच्छा जी, मान लो बढ़िया भैंस है। हाँ, एक नंबर नीली रावी है जी प्योर। तो आपका खरीद बेच का काम है कि घर की भैंस है? खरीद बेच का जी, कैटल फार्मिंग का काम अपना। अच्छा जी, डेयरी का भी काम है साथ में। ठीक है जी, तो क्या रेट मांग रहे हो इसका? इसका 75,000 रुपये मांग रहे हैं जी। 75,000 में देनी है या मांग रहे हो? और मांग रहे, कोई कम बत्ती हो जाएगा जैसे 55-60 लग रहे हैं मंडी के अंदर इसका। अच्छा जी, बाकी कोई देखो ग्राहक की बात है, जैसा मोल लगे वैसे मौके पे कर लेंगे। अच्छा, तो मंडी आज कैसे है, तेज है या डाउन है? मंडी बहुत बढ़िया है जी, आज पशु सारे बिक गए, 6 भैंस लाए, 1 भैंस रही हमारी। अच्छा जी, धन्यवाद जी। ठीक है, ओके सर।